एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सो गाइज, मैंने अभी मॉर्निंग में आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आपसे माइग्रेन और हेडेक से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोग उस पेन को कैसे कम कर सकते हो विदाउट मेडिसिन। आप लोगों को बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जो आप लोगों को हमेशा फॉलो करने चाहिए, चाहे आपके पेन हो या ना हो। जैसा कि जून स्टार्ट हो गया है, सो मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। मैं अब आपको वीकली क्विज जो प्रोवाइड करती थी वो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करूँगी। मैं अब आपको वीक में एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं आपको पूरे वीक के जो करंट अफेयर क्विज है वो आप लोगों को वीकली प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप लोग जो है फटाफट से और जल्दी वो वीडियो जो है वो देख सकें। और दूसरा चेंज ये कि अब जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक न्यू सेशन स्टार्ट किया था क्लास 6 का, सो उसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाली है। वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो को प्रिपेयर करने में, स्लाइड्स के थ्रू बनाने में वीडियो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर विजिट कीजिए और मुझे वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो लोग मेरा फेसबुक पेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है अन्नू अग्रवाल एजुकेटर। मैंने आपसे कहा था कि जब मई ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेज वाली वीडियो जो है वो लेके आऊँगी। सो वो वीडियो मैंने प्रिपेयर कर ली है, सो आज के लिए आप वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई बताया है, जिसमें मैंने आपको डेज के साथ थीम भी बताई है, और इस वीडियो में मैंने आपको थोड़े बहुत डेज के एम भी बताए हैं कि उन डेज पे क्या एम रहता है, कि क्या फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। सो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे, और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर किसी को पर्सनली अपने चैनल के लिए वीडियोस बनवानी है, ऐसे पीपीटी के थ्रू अगर किसी को अपने चैनल के लिए वीडियोस बनवानी है, सो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को पर्सनली अपने बच्चों के लिए लाइव सेशन चाहिए, सो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो क्लास 1 to 10th के लिए आप लोगों को किसी को भी अपने बच्चों के लिए लाइव सेशन चाहिए, पर्सनल टाइम चाहिए, सो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ज़रूर देखें, और जो क्विज वाली वीडियो वो आपको वीकली मिलेगी, ताकि मैं और वीडियोस भी और टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए डेली ला पाऊं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रंट पेज पे मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई 2020। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से ये पीडीएफ लिंक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के पास इस चीज के नोट्स भी बनते रहे और मेरी सारी वीडियोज के आप लोगों के नोट्स भी बनते रहे। प्लीज नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आप लोगों को बाद में पढ़ते हुए बहुत ज्यादा आप लोगों को ईजी रहे। सो स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ। थॉट क्या है? डोंट लेट येस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टूडे। मीन्स अपने येस्टरडे को, अपना आज का जो है बहुत ज्यादा टाइम, अपना बहुत ज्यादा जो भी पॉजिटिवनेस है वो लेने ना दें, क्योंकि जो पास्ट में हो गया वो लौट के वापस नहीं आएगा। सो अपने प्रेजेंट में जिए, खुश रहिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मई 2020 इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्कर डे और मे डे। सो इसको हम वर्कर डे और मे डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। दिस डे इज ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये जो डे है वो उन वर्कर्स को ट्रिब्यूट किया जाता है जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं अपना। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। सेकेंड मई क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड टूना डे। सो सेकेंड मई 2020 सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टूना डे। दिस डे एस्टिमेटेड बाय यूनाइटेड नेशन टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूना फिश। सो यूनाइटेड नेशन में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस लाई जा सके, बताया जा सके कि टूना फिश जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2017। सो फर्स्ट टाइम में ऑब्जर्व की गई थी 2017 में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द आउटसाइज नंबर ऑफ नेशन वर्ल्ड वाइड डिपेंड अपॉन टूना फॉर बोथ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। सो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग नेशन जो है वर्ल्ड वाइड जो है डिपेंड है टूना फिश पे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी मिलती है और न्यूट्रिशन भी मिलता है टूना फिश से।
सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. 3 मई 2020 सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. सो 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड प्रेस डे. सो इसको हम वर्ल्ड प्रेस डे से भी सेलिब्रेट करते हैं. द डे ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू जर्नलिस्ट हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ. सो ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ट्रिब्यूट दिया जाता है उन जर्नलिस्ट को जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी है. द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020. सो थीम जो है वो क्या है इस साल, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर. सो थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर. सो ऐसे डेज से रिलेटेड आप लोगों को दो तीन क्वेश्चंस मेन बनते हैं. एक तो आपको ये आ सकता है 3 मई जैसे सेलिब्रेटेड एज, सो आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे. तो उसमें जो एक ऑप्शन होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. उसके बाद आप लोगों से थीम पूछी जाती है कि दिस ईयर थीम क्या थी. तो थीम जो है वो हर साल चेंज होती रहती है. सो जो भी आप पेपर अभी देने जाओ इन फ्यूचर, सो 2020 में जो भी डे आप लोगों को सेलिब्रेट किए गए हैं यहाँ पे, सो उसकी आपको थीम जरूर पता होनी चाहिए. क्योंकि कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे थीम दिस ईयर इज. सो आप लोगों को थीम पता होनी चाहिए. ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सो दो ही क्वेश्चन जो होते हैं वो मेन बनते हैं. एक तो डेट आ जाती है और आपको पूछा जाता है कि क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या डे सेलिब्रेट करते हैं. और सेकंड आ जाता है कि थीम क्या है दिस ईयर. सो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं. सो ये वाले मैं आज आप लोगों को पूरी प्रोवाइड करने वाली हूँ वीडियो में अपनी. सो प्लीज एंड तक जरूर देखें वीडियो को. तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है. 4 मई, 4 मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे. सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड सिंस 1999 टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द सेक्रीफाइस दैट फायर फाइटर्स मेक टू इंश्योर दैट देयर कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंट आर एज सेफ एज पॉसिबल. सो 1999 से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है. इसमें ऑनर दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ ताकि वो अपनी कम्युनिटी, अपने एनवायरमेंट को बचा सके, सेफ रख सके. सो मूव ऑन टू 3rd slide. 5th May इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ. सो 5th May सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ. द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ इज माइडवाइफ्स विद वुमेन. सो थीम क्या है, माइडवाइफ्स विद वुमेन. सेलिब्रेट, डेमोंस्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO हैज डिजाइन द ईयर 2020 एज ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ. सो 2020 WHO ने रिकॉग्नाइज किया है, डिजाइन किया है कि ये साल जो है वो नर्स और मिडवाइफ्स का है. टू कॉमेमोरेट द 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नर्सिंग पायनियर फ्लोरेंस नाइटगेल. सो उनकी एनिवर्सरी से रिलेटेड इसलिए जो ईयर है 2020 वो ईयर ऑफ नर्स और मिडवाइफ से डिजाइन किया गया है, उनको दिया गया है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट. 5 मई को हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं. क्या करते हैं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे. वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज मार्क्ड 5 मई एज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे. दिस डे इज रिकॉग्नाइजिंग द रोल क्लीन एंड सेफ हैंड प्ले इन वार्डिंग ऑफ मेनी सीरियस इन्फेक्शन. सो इन्होंने ये बोला है कि भाई हाइजीन के थ्रू, क्योंकि हाइजीन होना इस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है COVID-19 को खुद से दूर रखने के लिए. सो WHO ने ये डे जो है सेलिब्रेट किया, रिकॉग्नाइज किया कि क्लीननेस कितनी ज्यादा जरूरी है, सेफ्टी कितनी ज्यादा जरूरी है. सो द थीम ऑफ दिस कैंपेन, सो थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थीम क्या है, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स. सो अपने हाथों को साफ रखें ताकि आप अपनी भी लाइफ को सेव कर सकें और दूसरों की लाइफ को भी सेव कर सकें. और ड्यू टू COVID-19 अभी भी सब एडवर्टाइजमेंट में, गवर्नमेंट की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस में बार बार आप लोगों को सबको कहा जा रहा है कि अपने हैंड्स को 20 सेकेंड्स तक जरूर वॉश करें. चाहे आपके पास साबुन हो, कोई भी साबुन हो, आप लोग उससे वॉश कर सकते हैं. सो हैंड्स को 2-3 घंटे में प्लीज वॉश जरूर करें. और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज. सो 5 मई को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं. मीन्स 5 मई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए डे, क्योंकि इस डे पे हम 3 डेज इंपॉर्टेंट जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. सो 5 मई को आप प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा अपने नोट्स में. सो 5 मई वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 1st Tuesday ऑफ मई. सो वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो मई में जो भी 1st Tuesday पड़ता है उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है. सो इस साल 1 मई जो है वो 5 मई को पड़ा था. सो इसलिए जो वर्ल्ड अस्थमा डे है वो 5 मई को सेलिब्रेट किया गया. सो ये डे जो है अस्थमा डे का, ये चेंज होता रहता है क्योंकि मई में जो भी 1st Tuesday आएगा, मंगलवार आएगा, उस दिन वो डे पड़ेगा. सो दिस ईयर वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व ऑन 5 मई 2020. द डे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अस्थमा डिजीज केयर अराउंड द वर्ल्ड. सो थीम फॉर 2020 इज इनफ अस्थमा डेथ.
सो 2020 की थीम क्या है, इनफ अस्थमा डेथ, वर्ल्ड अस्थमा डे एनुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, 7 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे. द डेट इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, द डेट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज डिसाइडेड बाय द IAAF. सो ये आ सकता है क्वेश्चन कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज डिसाइडेड बाय हूम, सो आंसर विल बी IAAF. However, the month says the same as May. The first World Athletic Day was observed in 1996. So, first day जो था Athletics Day का वो कब observe किया था 1996 में. So, the objective of the World Athletics Day is to boost the participation of youth in athletics. ताकि जो youth है वो ज़्यादा से ज़्यादा athletics वगैरह में participate करे, ये objective रहा है. So, move on to next news. सो 7 मई को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, क्या है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वही दोबारा से हो गया. सो टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एथलेटिक्स एंड टू इनकरेज यूथ टू टेक अप स्पोर्ट्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, 8 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे. सो 8 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे. दिस डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC फाउंडर हेनरी डोनेट. सो ये बर्थ एनिवर्सरी जो है इनकी याद में मनाई जाती है, किनकी, हेनरी डोनेट की. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, 8 मई को हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे. दिस डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया डिजीज. तो थैलेसीमिया डिजीज के बारे में अवेयर करने के लिए ये डे जो है 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड एंड ट्रांसमिशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन हेल्थ सोसाइटी एंड अमंग द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2020 विल बी सेलिब्रेटेड थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन एक्टिविटीज. सो ये डिफरेंट ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू किया गया इस साल, क्योंकि अभी COVID-19 की वजह से कोई मीटिंग नहीं हो सकती है. सो सारा काम जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, 9 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे. सो 9 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे. द एम ऑफ द डे इज टू रेज अवेयरनेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन टू कंजर्व देम. सो एम यही बनता है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताया जाए, उनकी इंपॉर्टेंस बताया जाए. सो थीम ऑफ दिस ईयर इज बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड. ये वाला जो थीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे से आप लोगों को थीम पूछी जा सकती है. सो आप ये 9 मई को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. सो इसलिए बोलती हूँ वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी चीज इंपॉर्टेंट वगैरह होती है वो मैं वीडियो के साथ साथ आप लोगों को बताती रहती हूँ. सो ये प्लस पॉइंट होता है आप लोगों को इंगेज करने का, ताकि आप लोगों को सिर्फ लास्ट में ही ना सब कुछ पता चले, बीच में भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलती रहे. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, 9 मई को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे. सो मदर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सेकेंड संडे ऑफ मे. सो मदर्स डे जो होता है वो सेकेंड संडे पे पड़ता है मई की. सो इस डे पे इस साल जो है वो 9 मई को पड़ा. सो इसलिए 9 मई को जो है वो सेलिब्रेट किया गया मदर्स डे. सो मदर्स डे इज वाइडली नोन टू सल्यूट द मदरहुड, टू एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर विद इन द सोसाइटी, टू एक्सटेंड द मेटर्नल बॉन्ड्स टू चिल्ड्रन एक्सेट्रा. सो मदर बींग प्रोटेक्टेड थ्रू आउट हर लाइफ, लव हर चिल्ड्रन अनकंडीशनल. सो एज वी ऑल नो कि मदर डे जो है वो वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है मदरहुड को सल्यूट करने के लिए. उनका जो एप्रिसिएशन है, उनका जो हम लोगों के लिए लव है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, जो सोसाइटी में वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, उन सब चीज़ों के लिए वो डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि उन लोगों को भी स्पेशल फील कराया जाए. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, 11 मई सेलिब्रेटेड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे. सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 मई. दिस डे मार्क्स द सक्सेसफुली टेस्टेड शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल एट द इंडियन आर्मी पोखरान टेस्ट रेंज इन राजस्थान. दिस डे विल बी फोकसिंग ऑन रोबोटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एवरी ईयर नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 11 मई. सो एवरी ईयर नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, टू मेमोराइज द एनिवर्सरी ऑफ शक्ति. सो शक्ति की मेमोराइज करने के लिए, एनिवर्सरी मनाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, द पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट, क्योंकि पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 11 मई 1998 को राजस्थान में टेस्ट किया गया था. तो उस डेट को याद करने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. सो क्वेश्चन ये आ सकता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड फॉर. सो ऑप्शन में अगर आपको पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट आता है, सो आपको वो करेक्ट करना है आंसर. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड.
सो नेक्स्ट स्लाइड 12th मई इंटरनेशनल नर्स डे. सो इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 12th मई. दिस डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटगेल. सो फ्लोरेंस नाइटगेल जो नर्स थी उनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है 12th मई. सो इंटरनेशनल नर्स डे के थ्रू ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है. शी वॉज ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प. शी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड वॉज द बर्स्ट सोशल रिफॉर्मर एंड स्टेटिस्टिकेशन. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट 15th मई. 15th मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल फैमिली डे. सो 15th मई सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल फैमिली डे से रिलेटेड है. सो दिस डे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज एंड द रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज. सो फैमिलीज की कैसे इंपॉर्टेंस है अवेयर करने के लिए लोगों को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो आप देख सकते कितने अलग अलग डेज जो हैं वो हर मंथ सेलिब्रेट किए जाते हैं. कई डेज के बारे में तो हम लोगों को पता ही नहीं होता. सो इसलिए मैं ये ऐसी वीडियो आप लोगों को प्रेजेंट करती हूँ ताकि आप लोगों को इकट्ठा ही सारे पूरे मंथ का जो है वो आप लोगों को पूरा पता चल जाए कि इस मंथ में हम लोगों ने क्या क्या सेलिब्रेट किया है. सो इस इंटरनेशनल फैमिली डे में हम बता देते हैं अ फैमिली एंड हेल्दी फैमिली मेक्स अ फोर सपोर्टिव सोसाइटी. अगर फैमिली हैप्पी होगी हेल्दी होगी तो वो अपने आप की फैमिली की तो ग्रोथ करेगी बाकी सपोर्ट भी करेगी सोसाइटी को विच इन टर्न मेक बेटर सिटीजन्स ऑफ अ नेशन. जिसकी वजह से सिटीजन्स जो है वो और अच्छे हो पाएंगे नेशन के लिए. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. 16th मई सेलिब्रेटेड एज आर्म फोर्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन थर्ड सैटरडे इन मई. सो आर्म फोर्स डे जो है वो हर ईयर जो है वो थर्ड सैटरडे जो मई का पड़ता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. तो दिस ईयर जो थर्ड सैटरडे पड़ा है वो कौन से डेट को पड़ा है 16th मई. सो इसलिए इस साल 16th मई को हमने आर्म फोर्स डे सेलिब्रेट किया है. इन 2020 इट फॉल्स ऑन द 16th मई ऑफ 2020. दिस डे सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू मेन एंड वुमेन हु सर्व द यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स. सो यूनाइटेड आर्म फोर्स जो है उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए ये मैन हो चाहे वुमेन हो उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है. आर्म फोर्स डे इज अ जॉइंट सेलिब्रेशन ऑफ 6 ब्रांचेज ऑफ द US मिलिट्री की जो 6 ब्रांचेज है वो सब मिलके मनाते हैं जैसे आर्मी एयरफोर्स यूनाइटेड स्टेट की जो भी होती है मिलिट्री में. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट 16th मई को हम एक और डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट. सो 16th मई ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट. द डे सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट द रोल दैट लाइट प्लेज इन साइंस कल्चर आर्ट एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ एज डाइवर्स एज मेडिसिन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी. सो लाइट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट के बिना कुछ भी नहीं है. सो लाइट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइंस में कल्चर में आर्ट में एजुकेशन में डेवलपमेंट में मेडिसिन में कम्युनिकेशन में एनर्जी में. सो द डे ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर इन 1960 बाय द फिजिशियन एंड इंजीनियर थियोडोर मेमन के थ्रू जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज. 17th मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे. द मेन एम टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे WTISD इज टू हेल्प रेज अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट यूज द इंटरनेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. मीन्स ये डे जो है वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके कि लोगों को नेट जो है कैसे यूज करना चाहिए. अदर इन्फॉर्मेशन अगर वो लोग कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सो ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कोई दंगा फसाद ना हो जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और फेक न्यूज पे बिलीव नहीं करना चाहिए. द थीम ऑफ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑफ 2020. सो दिस ईयर थीम वॉज कनेक्ट 2030 ICT दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो ये इस साल का थीम है. सो ये डे जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप लोगों के थीम पूछी जा सकती है इस डे से रिलेटेड. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. 17th मई को हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे. सो हाइपरटेंशन माइग्रेन और क्या कहते हैं हेडेक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया मॉर्निंग में. प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखें. बहुत अच्छी वीडियो है. आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे जो ये चीज़ें आप लोगों को पेन देती है और कैसे हम रिलीफ पा सकते हैं. सो इसके बारे में बात
कर लेते हैं. द एम टू सेलिब्रेट टू डे इज टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इंक्रीजिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड टू इनकरेज सिटीजन्स ऑल कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दिस साइलेंट किलर. सो ये एक साइलेंट किलर की तरह आज के टाइम में होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है. हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उससे हाइपर टेंशन हो जाता है. हाइपर टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आप लोगों को पेन रहने लगता है, आप लोगों को चक्कर आ जाता है. अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो चक्कर आ जाते हैं. सो उस चीज़ से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वाली जो कंडीशन है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है. द डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मे 2005. सो ये 2005 से सेलिब्रेट होता आ रहा है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट 18 मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल म्यूजियम डे. द डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट दैट म्यूजियम आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, इनरिचमेंट ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन एंड पीस अमंग पीपल. एंड इसमें ये बोला है कि जो डे है, जो म्यूजियम वगैरह बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है, ताकि हम अपने कल्चर के बारे में और लोगों को बता सके. जैसे हम लोग देखते हैं फॉरनर्स वगैरह भी आते हैं, सो फॉरनर्स वगैरह जो हैं वो हमारे कल्चरल साइट पे तो जाते हैं, वो म्यूजियम में भी जाते हैं, तो हम म्यूजियम के थ्रू अपने कल्चर के बारे में, अपने इनरिचमेंट कल्चर हो गया हमारा, डेवलपमेंट हो गया, सो हम उन चीज़ों के बारे में अपने म्यूजियम वगैरह में बहुत ज़्यादा दिखा सकते हैं, उन लोगों को बता सकते हैं कि भाई हमारा जो पहले कल्चर था वो कैसे कैसे एशियन टाइम से मेडिवियल टाइम में कैसे आया, फिर मेडिवियल से मॉडर्न टाइम में कैसे आया, अब प्रेजेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है. सो म्यूजियम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए. सो द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड विद द थीम. सो थीम क्या थी इस साल की, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. 20 मई वर्ल्ड बी डे. आई होप आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. एक पूरे मंथ की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. सो 20 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड बी डे. ऑन दिस डे 20 मई द पायनियर ऑफ बी कीपिंग एंटन जेंसा वॉज बोर्न इन 1734 इन सोलोवेनिया. द पर्पज ऑफ द बी डे इज टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स फॉर द इकोसिस्टम. अबाउट 33% ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन बीज, दस दे आर वाइटल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर एंड हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन. सो जो बी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे नेचर के लिए. सो पर्पज जो होता है वो यही बताना होता है कि भाई कैसे लोगों को नॉलेज देनी होती है कि कैसे जो बी है वो कैसे इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है, कैसे रिड्यूस करती है पोल्यूशन को, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखती है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है. सो ये इन चीज़ों से अवेयर करने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट 20 मई एक और डे से सेलिब्रेट किया जाता है. क्या है वो डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे. वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ मीटर कन्वेंशन ऑफ 20 मई 1875 in Paris, France, by representative of 17 nations. The World Metallurgy Day project is realized jointly by International Organization of Legal Metallurgy OIML and Bureau International des Poids et Major BIPM. So, आपको बस इतना याद रखना है कि World Metallurgy Day जो है वो 20th मई को celebrate किया जाता है, annually celebrate किया जाता है. कब start हुआ था, 20th मई 1875 में हुआ था Paris में, बस आपको इतना याद रखना है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट 21 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, टू डे सेलिब्रेट किए जाते हैं. फर्स्ट एंटी टेररिज्म डे 2020 एंड सेकेंड वन इंटरनेशनल टी डे. सो आप 21 मई को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द डे मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑन 20th मई 1991. सो 21 मई 1991 जो है वो राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाई जाती है. ही वॉज किल्ड इन तमिलनाडु इन अ कैंपेन बाय तमिल टाइगर्स एलियाम LTEE आर टेररिस्ट ग्रुप. आफ्टर द एसिनेशन VP सिंह गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 21 मई एज एंटी टेररिज्म डे. सो इनको मारा गया था तमिलनाडु में जब उनका कैंपेन चल रहा था, तो उस डे को सेलिब्रेट करते हुए जो VP सिंह है उन्होंने बोला कि 21 मई जो है वो हम एंटी टेररिज्म डे से सेलिब्रेट करेंगे. सो एक और डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या है, इंटरनेशनल टी डे. द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल टी डे इज टू ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ टी प्रोड्यूसर्स एंड टी वर्कर्स. सो ये जो डे है इनका पर्पस ये होता है ताकि हम इम्प्रूव कर सके उन लोगों की कंडीशन को जो लोग प्रोड्यूस करते हैं टी को और जो वर्कर लगे हुए
हैं टी के लिए. टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बट द कंडीशन ऑफ द लेबर वर्किंग इन द टी प्लांटेशन इज वेरी बैड. सो जो टी की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो कमाती है बट जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोग बेचारे काम कर रहे हैं, उनकी कंडीशन बहुत बैड है. सो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि उन लोगों के लिए भी कुछ किया जाए. देयरफॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल टी डे टू इनकरेज द स्टेटस ऑफ टी वर्कर्स, वर्कर्स राइट, डेली वेज, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड हेल्थ. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो 22 मई जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से सेलिब्रेट किया जाता है. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व ऑन 22 मई एवरी ईयर टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो बस ये याद रखना है 22 मई जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है. मूव ऑन टू नेक्स्ट, 25 मई नेशनल मेमोरियल डे. सो लास्ट मंडे ऑफ मे जो है पड़ता है उस डे पे हमारा जो नेशनल मेमोरियल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. सो दिस ईयर जो लास्ट मंडे था वो 25 मई को था. सो इसलिए 25 मई को इंटरनेशनल मेमोरियल डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया. नेशनल मेमोरियल डे इज ऑब्जर्व ऑन लास्ट मंडे ऑफ मे. सो दिस ईयर इट विल बी ऑब्जर्व ऑन 25 मई 2020. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, 28 मई वर्ल्ड हंगर डे. सो 28 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हंगर डे. द यूनाइटेड नेशन एम टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. सो यूनाइटेड नेशन जी का एम है कि भाई वो इंक्रीज कर सके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को. दिस इज टू फीड 820 मिलियन पीपल दैट आर विद इनएडिक्वेट फूड सिक्योरिटी, ताकि हम उन लोगों को 820 मिलियन पीपल को फीड कर सकें क्योंकि उन्हें खाना जो है वो इनएडिक्वेट फॉर्म में मिल रहा, मीन्स पूरा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा. सो उन लोगों को हम लोगों को अवेयर करने के लिए ताकि उन लोगों को खाना वो मिल सके. तो यूनाइटेड नेशन प्रिडिक्ट्स दैट द 2 बिलियन आर टू कम अंडर पॉवर्टी एंड फेस हंगर बाय 2050. सो यूनाइटेड नेशन ने प्रिडिक्ट किया है कि 2 बिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी और फेस करेंगे हंगर 2050 तक. सो प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है. सो फूड को प्लीज़ वेस्ट ना कीजिए, जितना आप लोगों को खाना हो प्लीज़ उतना ही खाइए, क्योंकि जो इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है उन लोगों से पूछिए उन लोगों के लिए एक एक दाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो प्लीज़ ज़्यादातर लोगों की हेल्प भी कीजिए इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा लोग बहुत नीडी भी हैं जिन्हें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो प्लीज़ लोगों की हेल्प कीजिए ताकि कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा इंसान को तोड़ देती है. सो प्लीज आप लोग जितना हेल्प कर सकते हो उतना हेल्प करें, और प्लीज अगर हेल्प नहीं भी कर सकते तो वेस्ट ना कीजिए, ताकि आपके वेस्ट ना होने से और लोगों को वो सामान जो है वो मिल सके. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, 29 मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर. सो 29 मई जो है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर ऑन मई 29. दिस ईयर द डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड अंडर द थीम वुमेन इन पीस कीपिंग. सो थीम क्या थी इज दिस ईयर, वुमेन इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस. सो ये इस साल की थीम थी. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, 30th मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं डे, वर्ल्ड वेब डे. सो वर्ल्ड वेब डे टू ऑब्जर्व ऑन मे 30th ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ ई सिगरेट एंड हेल्प स्मोकर्स दैट आर अनेबल टू क्विट स्मोकिंग. सो ये डे जो है वो एम करता है, इंक्रीज करता है अवेयरनेस, ताकि जो भी ई सिगरेट लोग लेते हैं उस चीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए, और स्मोकर्स को हेल्प करने के लिए, क्योंकि जो एक बार अगर किसी को स्मोकिंग की आदत लग जाती है, ड्रिंकिंग की आदत लग जाती है, सो उन लोगों की हैबिट जो है वो छुड़वानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. सो ये डे जो है उन लोगों के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उन लोगों को अवेयर किया जा सके कि आप लोग कैसे स्मोकिंग को जो है आप लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं. सो इंडिया विल ऑल्सो ऑब्जर्व वर्ल्ड वेब डे ऑन मे 30th. सो इंडिया भी जो है ये डे सेलिब्रेट करती है मे 30th को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. प्लीज मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी. सो आई होप आप लोग प्लीज मुझे इस वीडियो पे जरूर कमेंट करेंगे. सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द और टॉपिक पे वीडियो आने वाली है. सो और वीडियो का वेट कीजिए, तब तक ये वीडियो देखिए और मेरे माइग्रेन वाली वीडियो जरूर देखें. आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और मुझे जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे. अपना ख्याल रखिए और औरों का भी ख्याल रखिए.